विलोम पदानि योजयत, विलोम पदानि विलोम पदों को योजयत अर्थात जोड़ो, योजयत अर्थात जोड़ो या मैचिंग वर्ड है, मैच करना है। तो यहाँ पर जो पद दिए हैं इनके विलोम पद इधर दिए गए हैं तो इनसे हमको जोड़ना है। तो अधा, अधा का मतलब होता है नीचे और अधा का जो विलोम पद होगा ऊपरी, तो अधा एक नंबर पे है तो इसलिए ऊपरी से जुड़ेगा, तो यानी कि एक नंबर इधर लिख देंगे। उसके बाद यह अंतः, अंतः का मतलब अंदर और वही का अर्थ होता है बाहर, तो अंतः का विलोम पद होगा वही। उसके बाद में लिखा दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले, और सुबुद्धे अर्थात अच्छी बुद्धि वाले, तो इस तरीके से होगा। ये तीन नंबर पे है तो इसका तीन नंबर से जोड़ेंगे। उच्च ही अर्थात जोर से, और नीच ही धीरे से नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा उच्च ही का नीचे ही, इस तरीके से होगा। दुर्लभम, दुर्लभ है, सुलभम अर्थात सुलभ है, इस तरीके से आसानी से प्राप्त, दुर्लभम अर्थात हमें कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज़ दुर्लभ, और आसानी से जो प्राप्त हो जाती है उसे हम सुलभ कहते हैं, तो दुर्लभम सुलभम इस तरीके से होगा। देखो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं मैचिंग, और नहीं तो हम अंतः, अंतः का हो जाएगा वही, और दुर्बुद्धे सुबुद्धे उच्च ही और नीचे ही, और दुर्लभम सुलभम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद पाठ के अंत में ध्यातव्यम दिया गया है, अर्थात ध्यान रखने योग्य बातें हैं और अनुसरण करने योग्य बातें हैं, वैसी चीज़ें दी गई होती हैं। तो यहाँ पे चूँकि ध्यातव्यम अर्थात ध्यान रखने योग्य बातें हैं कुछ, तो इसमें दिया है अश्विन पाठे अधा अंतः बहि नीचे है पुनः इत्यादि अव्यपदानि सन्ति। इस पाठ में अधः अंतः बहि नीचे ही पुनः इत्यादि अव्यपद हैं। एसाम त्रिसुलिंगेषु त्रिसुवचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपं भवति विकारो न जायते, यानी कि इनके तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सब विभक्तियों में, सर्वासु विभक्तिषु च और सभी विभक्तियों में एकमेव रूपम भवति, एक ही रूप होता है, तथा विकारो न जायते और विकार उत्पन्न नहीं होता है अर्थात परिवर्तन नहीं होता है। उक्तं च और कहा गया है सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तदव्यम्, जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सब विभक्तियों में समान होता है और जो व्यय नहीं होता है वह अव्यय होता है। ये ध्यातव्य में जो दिया गया है वो हम पाठ के पाठ प्रारंभ पर करने से पूर्व ही इसको हम बता चुके थे अव्यय पद के बारे में, तो इसे आप लोग याद रखें।